बच्ची से बात करते हैं, बच्ची की पढ़ाई थोड़ा सा। आप भी जा रही हैं बेटी? आप भी जा रही हैं? थोड़ा इधर आइए, ऐसे आ जाओ, ऐसे ऐसे आ आए। और कितनी बच्चियां जा रही हैं? कोई नहीं जा रहा। अच्छा, आप जा रही हैं? जा रही हैं। तो पहली बार जा रही हैं? हाँ, पहली बार। पहली बार जा रही हैं। और अपने एक इस मेले में कौन है, मम्मी पापा कौन? हाँ, मम्मी है और डैडी है। मम्मी पापा हैं। कहाँ तक पढ़ाई है आपकी? इंटर। बारहवीं कर ली है? हाँ। इस साल क्या बीए में बीएससी कर? नहीं, पढ़ाई बंद कर दी। पढ़ाई बंद कर? चलो आ जाओ। ऐसा क्या मतलब, क्यों पढ़ाई बंद कर दी? कर दी, कुछ घर में समस्या थी इसलिए कर दी। तो जैसे अब चित्रकूट जा रहे हैं, वहाँ से क्या कामना करेंगे? ऐसी मनोकामना नहीं मांग सकते कि हमारी पढ़ाई दोबारा चालू कर दें? अच्छा, पढ़ना चाहती थी कि नहीं, मन से बताएं? हाँ। पढ़ाई जारी करने? हाँ। कहाँ पर हैं पापा जी इनके? आप देखो, बच्ची पढ़ना चाहती है, यही से मनोकामना ले जा लगे, दिमाग आ जाए तो पढ़ाई शुरू कर दे। एक यात्रा में कितना खर्च हो जाएगा? खर्चा नहीं चला मैं तो पढ़ाई किस वजह से रोक दी? ये नहीं थे। आज मेला आ रहा है तो ये थोड़ा सा ये मुझे इस बात पे समस्या है कि बच्ची पढ़ना चाहती है, इसको पढ़ाई आप करवाएं आगे चल के? पढ़ाई आपको करवानी चाहिए। तो हम आपको इस मेले से मिलवा रहे थे जो चित्रकूट जा रहा है। आपको अगर ऐसा मेला मिलता है, रविंद्र थोड़ा दूर तक दिखाएं, थोड़ा वहाँ आगे तक दिखा देंगे, कितनी दूर है पता कर लेके जा रहे हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं, जाइए जाइए, जा सकते हैं। तो आप देख रहे थे जनता का राज, मैं हूँ अवधेश, और आप बताइएगा कि आप इस कवरेज से कितने सहमत हैं, इन लोगों को ऐसी कठिन तपस्या से क्या लाभ मिला है, ये जरूरी है आप बताइएगा।